जो भी है सीट बेल्ट लगाना है। स्टर्न हो गया, स्टर्न का मतलब सख्त हो गया, कठोर हो गया, जो स्टिफ का सिमिलर वर्ड है, स्टिफ भी इसी का भाई है। फिर क्या करना है, फैटल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हमेशा मीट होता है यानी होगा, फैटल जानलेवा, आपकी घातक दुर्घटना हो सकती है, घातक फैटल, लेथल का सिमिलर वर्ड, टर्मिनल का सिमिलर वर्ड, वाइटल का सिमिलर वर्ड, डेडली का सिमिलर वर्ड, फैटल का जस्ट सिमिलर वर्ड आएगा लेथल, घातक, जानलेवा, जो आपके शरीर और दिमाग को इंजरी कर दे, जैसे पॉइजन फैटल होता है, शरीर से किसी ने किसी पर वार कर दिया तो घातक होता है। क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, क्वेश्चन आपसे चाहता है कि मॉडल भी फाइंड आउट करना है और फ्रेजल वर्ब भी फाइंड आउट करनी है। बोले कौन सी फ्रेजल वर्ब, पालन करने की फ्रेजल वर्ब फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आंसर के पास नहीं जाना है, पहले गेम खेलना है। तो पालन करने की जो फ्रेजल वर्ब होती है वो होती है अबाइड बाय या होती है कॉम्प्लाई विथ। ये दोनों को इंपॉर्टेंट कर लेना। किसी भी चीज को आप फॉलो कर रहे हो तो आप अबाइड बाय कर रहे हैं, कॉम्प्लाई विथ कर रहे हैं। हम भारतीय संविधान को कॉम्प्लाई विथ करते हैं, अबाइड बाय करते हैं। ट्रैफिक रूल्स को हम अबाइड बाय करते हैं, कॉम्प्लाई विथ करते हैं। जैसा भी मौसम हो उसको कॉम्प्लाई विथ करते हैं, अबाइड बाय कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है तो इसके रूल्स फॉलो हैं, धूप से बचाव कर रहे हैं, पानी ज्यादा पी रहे हैं, कूलर एसी का यूज कर रहे हैं ताकि गर्मी का कोई इम्पैक्ट हमारे अंदर ना आ जाए। तो पालन करने के लिए दो फ्रेजल वर्ब, पहली अबाइड बाय, दूसरा कॉम्प्लाई विथ। हम हाई कोर्ट में जाते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेते हैं वहां पर, क्योंकि हमें वहां के प्रोटोकॉल को अबाइड बाय और कॉम्प्लाई विथ करना है। हाई कोर्ट में जाओगे तो अपन को ऊपर वाला वो पहन के जाना पड़ेगा, प्रॉपर ड्रेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वहां का प्रोटोकॉल है, अबाइड बाय और कॉम्प्लाई विथ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोर्ट में जा रहे हैं, मोबाइल की घंटी बज रही है, नो दैट इज रॉन्ग, अबाइड बाय और कॉम्प्लाई विथ। हॉस्पिटल है, कोर्ट है, किसी कंडोलेंस मीटिंग है, मोबाइल अपना वाइब्रेशन पे रहेगा, साइलेंट रहेगा, एक पढ़े लिखे आदमी की निशानी होती है कि भाई ऐसा प्रोटोकॉल है। अब वहां पर वो मोबाइल बजे तो बड़ा अजीब सा लगता है, वो क्या पनिशमेंट करेगा वो नहीं कह रहा, अजीब सा लगता है। मॉडल यहाँ पर राय दे रहे हो तो राय देने के लिए कौन सा मॉडल आएगा, शुड आएगा। शुड में आप राय देते हैं मगर बाध्य नहीं है, कोई पालन करे तो ठीक, पालन ना करे तो ठीक, ये हमारी शुड की कहानी है। शुड के साथ अबाइड बाय और कॉम्प्लाई विथ दो क्वेश्चन तैयार हो गए। शुड के साथ अबाइड बाय भी आ गया और कॉम्प्लाई विथ भी आ गया। कॉम्प्लाई विथ और अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, अनुसरण करना, किसी चीज को फॉलो करना। नॉलेज जितनी बार दिमाग से गुजरेगी वो आपके दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़कर जाएगी। इसलिए एक भी क्लास को, गलती से भी एक क्लास को एब्सेंट मत करना, नहीं अपनी नजर में खुद से नुकसान होगा, दूसरे से तो नहीं होगा। तो यहां पर आपने आंसर दिया बी, शुड दिया और अबाइड बाय दिया, इज द राइट आंसर। शुड आया और अबाइड बाय आया, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट। इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, वी यूज टू फेस ऑपरेशन एंड इनइक्विटी ड्यूरिंग इंग्लिश रिजीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। ऑपरेशन, ऑपरेशन कहते हैं अत्याचार को, जो हमने अंग्रेजों ने किया, आज गरीबों पे करता है ना कोई, ऑपरेशन बोलेंगे इसको, ऑपरेशन अत्याचार, हमारे ऐसे में घूमने को तैयार। ऑपरेशन अत्याचार और इनइक्विटी, देखो इनी फिर क्विटी, आराम से प्रदर्शन करना है, जुल्म कहलाएगा। तो जुल्म के साथ अत्याचार और अत्याचार के साथ जुल्म आता है, पेयर वर्ड है। अपरेशन जुल्म कहलाएगा, इनइक्विटी अत्याचार कहलाएगा, अच्छी बात। फिर रिजीम किसको कहते हैं, रिजीम कहते हैं शासन को, रिजीम शासन को कहा जाता है। हमने कई सालों तक इंडिया ने इंग्लिश रिजीम को बर्दाश्त किया, शासन है सिर्फ, शासन करना नहीं है भाई। शासन को या सत्ता को रिजीम कहते हैं, शासन या सत्ता को रिजीम कहा जाता है। अब बीजेपी रिजीम आएगी या कांग्रेस रिजीम आएगी, ये भविष्य की कोख में निर्धारित है। बीजेपी रिजीम आएगी या कांग्रेस रिजीम आएगी, रिजीम का मतलब शासन, रिजीम का मतलब सत्ता। कोई भी इंसान इलेक्शन क्यों लड़ता है, क्योंकि उसको सत्ता का मोह है, उसको शासन का मोह है, वो चाहता है मैं राजा की तरह जिंदगी जीऊं। जनसेवक होना एक अलग डेफिनेशन है, सत्ता का मोह होना एक अलग डेफिनेशन है।
अप्रेशन आपने अत्याचार को कहा, इनइक्विटी आपने जुल्म को कहा, रिजीम आपने शासन और सत्ता को कहा, और आ जाइए आंसर क्या देखते हैं, वो आंसर बताएगा। आंसर से दो एक्सपेक्टेशन चल रही है उसको, कि पहले में आप टेंस भरे और दूसरे में आप आर्टिकल भरे। तो जब आप किसी की राष्ट्रीयता शो करेंगे अंग्रेज लोग, तो वहां पर आर्टिकल द आएगा राष्ट्रीयता दिखाने के लिए। अंग्रेज हो गया द इंग्लिश, फ्रेंच हो गया द फ्रेंच भाषा, और जब आपका ये सब्जेक्ट होगा तो आर्टिकल नहीं लेगा, वो आर्टिकल में बात करेंगे द फ्रेंच। द फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी लोग, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, तो यहां पर द आएगा। नॉलेज को घुमाना है प्रैक्टिकल वे में, क्वेश्चंस के जरिए। किताबों में आप सोचते हैं सिलेबस पढ़कर हम नॉलेज के पास जाएंगे, गलत। क्वेश्चन से नॉलेज के पास आइए, उल्टा रिवर्स चलना है। और आप देखा करो, सीधे चलने से जितना फायदा नहीं होता, प्रैक्टिकल में भी रिवर्स चलने से उतना फायदा होता है। तो नॉलेज को तैयार करना है तो हमेशा क्वेश्चन से उल्टा चलो, वो अपने आप पहुंचा देगा, तो आप सही ट्रैक पर हो। तो राष्ट्रीयता दिखाने के लिए आपने द का यूज किया। अब कहता है टेंस कौन सा, आपको पता है कोई भी ऐतिहासिक घटना दिखानी हो, कोई भी स्टैंडर्ड भूतकाल की घटना बतानी हो, तो वो किस में लिखी जाएगी, वी टू में। कहां जाएगी, रूम नंबर 5 में। कहां जाएगी, पास्ट इंडेफिनेट में। सारी कहानी बोलते चलो जो उसकी सारी रामलीला है, इससे मेमोरी वोल्टेज होती है, वो जाएगी पास्ट इंडेफिनेट में। वी टू वाला आंसर और द वाला आंसर ढूंढना है, तो वी टू आया गॉट और आंसर दूसरा आया द, आंसर नंबर डी। पहले में गॉट आया क्योंकि पास्ट की स्टैंडर्ड घटना है, दूसरे में द आया क्योंकि राष्ट्रीयता है। बिना फंडामेंटल के, बिना अपने आप को तैयार किए क्वेश्चन के पास कभी मत जाना। और ये आपके रिटर्न की, आपके ऐसे की, आपके एपीओ में आने वाले प्रेसी की, आपके ट्रांसलेशन की ऑटोमेटिक तैयारी हो रही है। ऑटोमेटिक बोल रहा हूं ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो इस प्रोसेस से गुजर गया वो कुछ भी कर सकता है। तो आपने आंसर दे भरा क्योंकि इंग्लिश राष्ट्रीयता है, फ्रेंच राष्ट्रीयता है, ऐतिहासिक घटना है, वी टू लिया, आंसर बी दिया और आगे बढ़ गए। आई ऑन ए स्टार्ट रोड बाय हुडलम्स टू प्लेस बी। स्टार्ट रोड सुनसान सड़क, एकदम सूरी सड़क है, रात को 12 बजे जा रहे हैं, कोई भी आसपास दूर दूर तक नहीं है। स्टार्क रोड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सुनसान निर्जन एकांत कोई नहीं आसपास, स्टार्क है। रात को 12 बजे अपन को अपने घर जाना है, दो रास्ते हैं, तो बाईपास के नीचे से जाएं, एकदम स्टार्क है। एक अपन वैशाली होते हुए ऐसे जाएं, चांदपोल होते हुए क्राउडेड है, क्योंकि 12-2 बजे चलता रहता है, वहां तो कोई इतना नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टेशन और हमारा बस स्टेशन वाला इलाका बिल्कुल क्राउडेड है। अब बाईपास है या कोई ऐसे नीचे से जा रहे हैं, वो क्या है, वो स्टार्क इलाका है, पहला काम। दूसरा इसने कहा आपका स्टॉक, स्टॉक किसको कहते हैं, STALK, स्टॉक किसको कहते हैं, दबेपाव पीछा करना, यानी चुपचाप किसी लड़की को चेज करना, दबेपाव पीछा करना। चेज हमेशा गाड़ियों से होता है, कोई वैसे ही पैदल किसी का पीछा कर रहा तो स्टॉक आता है। जैसे एक बार हरियाणा में केस हुआ था, मंत्री का बेटा था, किसी लड़की को पीछा कर रहा था, बहुत देर तक केस उछला था। स्टॉकर, स्टॉक, स्टॉकर, स्टॉक, स्टॉकर पीछा करने वाला, स्टॉक दबे पाओ किसी का पीछा करना। कोई आपको अभी पैदल आ रहे हो आप, और कोई लड़का आपके पीछे आ रहा है, तो आप वो स्टॉकिंग कर रहा है आपकी, और आप उस टू व्हीलर पर, और वो भी किसी व्हीलर पर, तो आपको चेजिंग कर रहा है। चेज और स्टॉक में देर इज माइनर डिमार्केशन। स्टार गया, स्टॉक गया, फिर आते हैं आप हुडलम्स और प्लेस। हुडलम नकाबपोश, उसने नकाब वो बांध रखा है, स्कार्फ या कुछ भी, यानी चेहरा उसका नजर नहीं आ रहा है, बाई चांस पकड़ा जाए या सीसीटीवी में आए तो कोई दिक्कत तो नहीं हो। नकाबपोश, नकाबपोश गुंडा क्या कहलाएगा, हुडलम्स कहलाएगा, नकाबपोश गुंडा हुडलम्स कहलाएगा। फिर आते हैं आप प्लेस, प्लेस यानी लूटना, रॉब का सिमिलर वर्ड है प्लेस, आजकल लूट को भी अंग्रेजी का वर्ड बना दिया। रॉब आपके पास है, लूट आपके जानते हैं आप, व्हाट इज द रॉबरी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रॉबरी, व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ द रॉबरी, व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ रॉबरी ऑन द हाईवे, 50 तरीके के सेक्शन है आपके पास।
ग्लेज यानी लूटना, हुडलम्स यानी नकाब लगा रखा है, चेहरे पर कुछ ना कुछ है, स्टार का मतलब सुनसान, स्टॉक दबे पांव पीछा करना, स्टॉकर कहलाता है, ये भी आईपीसी में बहुत घूमता है, स्टॉकर है साहब, एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, स्टॉक करता है मुझे, स्टॉक बोलने में एल नहीं आएगा। हर चीज को आप परफेक्ट करना है, दुनिया में सफल ही वही होता है जो छोटी से बारीक चीज को एक्सेप्ट करके चलता है। फिर सेंटेंस आपसे उम्मीद कर रहा है कि सेंटेंस एक्टिव में जाए या पैसिव में जाए, तो बाय लगा रखा है, सेंटेंस को तो पैसिव में तो जाना ही पड़ेगा। आई एम बीइंग स्टॉप्ड, क्या कह रही है लड़की की, मेरा दबे पांव पीछा हो रहा है। तो फ्रेंड्स एम बीइंग, इज बीइंग और आर बीइंग सेकंड नंबर की पैसिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव है, मतलब टिप्स पर आपकी नॉलेज नाचनी चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव है। यदि किसी वाक्य में इज एम आर प्लस बी फोर है तो उसकी पैसिव में इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। तो इसने कहा आई एम बीइंग स्टॉक, दबे पांव मेरा पीछा हो रहा है, कहां, किसी सुनसान सड़क पर, ऑन स्टार्ट रोड, किसके द्वारा, बाय हुडलम, एक नकाबपोश गुंडे के द्वारा, क्यू टू प्लेस भी मुझे लूटने के लिए। नाइन्थ पर आइए, द वेदाज अस ऑन ट्रीड ऑन पाथ ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, आई कॉल योर इंटीग्रिटी इन क्वेश्चन, द वेदाज ब्लैंक स्पेस अस टू ट्रीड ऑन पाथ ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, आई कॉल योर इंटीग्रिटी इन क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, फिर आने की अच्छी संभावना। आप देखिए क्या कहना चाहता है सेंटेंस, सबसे पहले तो आपसे उम्मीद करता है कि एक्स्ट्रा पार्ट निकालिए, ट्रीड का मतलब होता है कहीं पर पाव रखना, चलना, टी आर ई ए डी, ट्रीड का मतलब होता है चलना, और ट्रीड का मतलब होता है पाव रखना, इसमें पाव नहीं लगाना पड़ेगा, पाव रखना ट्रीड कहलाएगा। जैसे मैं सुबह सुबह लॉन में चल रहा हूं तो आई एम ट्रीडिंग ऑन, आप वॉकिंग की जगह ट्रीडिंग भी कर सकते हो, आप वॉकिंग की जगह ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हो, कल ही कर लेना, जब आप वॉक करने जाएं और आप घास पे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, जो बेनिफिशियल टू द हेल्थ, तो आप कह सकते हैं सर आई एम ट्रेडिंग ऑन द यू कैन से ग्रास, ग्रास भी काम आएगी, मेरे को हर चीज में वॉकअप नजर आती है, वो कहते हैं ना कसाई को बकरी बकरी नजर आते हैं, तो हर चीज में वॉकअप, तो आई एम ट्रेडिंग ऑन द ग्रास, ट्रेडमिल बोलते हैं, ट्रेड का मतलब पैर रखना, ट्रेड चलना, पाव रखना। फिर क्या कहता है ये क्या कहता है, कॉल योर इंटीग्रिटी इन क्वेश्चन, दूसरी फ्रेज कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होगा शक करना, मैं तुम्हारे करेक्टर में शक करता हूं, आई कॉल योर करेक्टर इन क्वेश्चन, यहां पर वो शब्द रख देना जिस पर आपका शक है, मैं तुम्हारी ईमानदारी पे शक करता हूं, आई कॉल योर ऑनेस्टी इन क्वेश्चन, मैं इस रिश्ते पे शक करता हूं, आई कॉल दिस रिलेशन इन क्वेश्चन, मैं आपकी परफॉर्मेंस पे शक करता हूं, आई कॉल योर परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है शक करना, कॉल इन क्वेश्चन। पहले वाली फ्रेज किसी को शक करना, पोट अंडर द क्लाउड, दो फ्रेजेज हो गई, कॉल इन क्वेश्चन, पोट अंडर द क्लाउड, ऐसे ही कनेक्शन देते रहो, पढ़ क्या रहे हैं, दिमाग कहीं और चला जाए, क्यों, क्योंकि ये खेल खेलना बहुत जरूरी है, अवश्यंभावी है, एसेंशियल है। फिर इसने कहा कि साहब ईमानदारी, आज ईमानदारी का खेल ही खत्म करते हैं, इंटीग्रिटी कहते हैं ईमानदारी को, पहला वर्ड इंटीग्रिटी, ये नाउन है, ये चीजों का आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रिटी आपका ईमानदारी, ऑनेस्टी का सिमिलर वर्ड है ईमानदारी, इंटीग्रिटी, क्योंकि जब तक आपके पास परफेक्ट वोकैब नहीं है आप ग्रामर को टच ही नहीं कर सकते। लोग बिना वोकैब के पूरी ग्रामर पढ़ा देते हैं, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को कि विदाउट वोकैब को लिए वो ग्रामर पढ़ा कैसे देते हैं, और पढ़ा भी दिया तो उसका यूज क्या है, मेरे समझ में तो नहीं आता, ना पेपर की समझ में आता है। आपका थ्रू आउट वोकैब पे होल्ड होगा फिर देखो तमाशा। तो आपके पांच वर्ड आज खत्म करते हैं, एक फॉर्मूला डाल दिया पूरी, अमरीश पूरी डाल दिया, पूरी की ईमानदारी, बस इतना से याद रखना है, पूरी किसी का सरनेम है इससे हमें मतलब नहीं है, पूरी की ईमानदारी बस मैं पसंद करता हूं या कुछ है, पूरी की ईमानदारी इतना से याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। पी फॉर प्रबिटी,
ईमानदारी, यू फॉर अपराइटनेस। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आप देखो कैसे लिखेंगे, ऑटोमेटिक हाथ चलेगा, मैं आपके पास इतना ज्यादा वो होगा अपराइटनेस। आर फॉर रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड बहुत अच्छा वर्ड है, ये हो सकता है प्री में भी क्वेश्चन बना जाए। आई फॉर इंटीग्रिटी, आई फॉर इंटीग्रिटी, और एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास पांच वर्ड है, प्रविटी, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। वर्ड पावर इतनी तेज होनी चाहिए कि सामने वाला सोचे उससे पहले तो आप निकल जाएं। सोचने का टाइम नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में केवल लिखने का टाइम होता है, सोचने का टाइम बेकार। हर इंसान, हर एस्पिरेंट अपने कर्मों या ज्ञान के कारण, अपने नॉलेज के कारण असफल होता है, एग्जाम का कोई दोष नहीं है। एग्जाम सबको सफल करना चाहता है, बस तो एक युद्ध है, युद्ध में विजेता ही पार पाते हैं। तो आपने कहा प्रविटी, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। मुझे इन फॉर्मूले के बेस पर यदि पूरी ऑक्सफोर्ड याद है तो आपको चूरी हो सकती है, ये बताओ। सिर्फ करना है, और मेरे तो गाइडेंस है, मेरे पास तो गाइडेंस भी नहीं था। प्रविटी, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। ईमानदारी के पांच वर्ड खत्म करने के बाद हम क्वेश्चन से पूछते हैं कि भाई साहब चाहते क्या हो, क्या आंसर दें आपको। तो क्वेश्चन ने कहा कि मेरा जो वाक्य है वो सार्वभौमिक सत्य है, एक तरीके का उपदेश है। मेरा जो वाक्य है वो सार्वभौमिक सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मुझे कौन से नंबर में लेके जाओगे? फर्स्ट में, निश्चित सी बात है, फर्स्ट में मुझे लेके जाओगे तो या तो मेरे साथ B1 दे देना या B5 दे देना, बस कहानी खत्म। वेदाज बहुवचन है इसलिए V1 आएगा। आस्क इज द राइट आंसर। हमारे वेद हमको कहते हैं सत्य की राह पर और ईमानदारी की राह पर चलने के लिए। ठंडा पानी है विनायक। सत्य की राह पर चलने के लिए हमारे वेद कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आपने पांच बार ईमानदारी के खत्म किए और आगे बढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन फर्स्ट को कहा सार्वभौमिक सत्य से कवर किया, V1 V5 में ले गए, सब्जेक्ट को देखा बहुवचन है, आंसर V1 के पास गए, खत्म कहानी। The police already prevented arson and sabotage. दो वर्ड को आज ही इंपोर्टेंट कर लेना, हमारे लॉ के वर्ड हैं, आपके IPC बनती है। आर्सन और सबटेज, आर्सन और सबटेज सीधा IPC की तरफ जाएगा। ये दो ऑफेंस कर दिए जाएं तो कौन सा सेक्शन लागू होगा, आप अपने मन में फाइंड आउट करें। आर्सन किया जाए तो कौन सा सेक्शन, सबटेज किया जाए तो कौन सा सेक्शन, दोनों IPC की तरफ जा रहे हैं, दोनों आपके मुंह कर रहे हैं लॉ की तरफ, इससे वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट। आर्सन, आग जदी, आग लगाने की घटनाओं को कहते हैं आर्सन। बस को आग लगा दी जैसा दंगों में होता है, आग जदी, सबटेज होता है तोड़फोड़, बसों के शीशे फोड़ दिए, दुकान के शीशे फोड़ दिए, संपत्ति को आग लगा दी, जो जनरली राइट में होता है, आपके दंगों में होता है, दंगों का यही सीन है, आगजनी और सबटेज। एक दिन दंगों की थीम बताऊंगा, थीम बेस वॉक है बताऊंगा, आपको ये पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा। थीम बेस वॉक में बड़ा मजा आता है, अब ये, अब ये, अब ये, ऐसे कहानी सी चलती है, बड़ा मजा आता है। मतलब 100 वॉक है तो एक सेकंड में तैयार हो जाती है, एक मिनट में, सॉरी। आर्सन, आगजनी, सबटेज, तोड़फोड़, हो गए तो वॉक तैयार। वापस वो करते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रिवेंटेड, रोकना, रोकने को प्रिवेंटेड बोलेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप प्रिवेंट, थर्ड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, हर चीज का ध्यान लेके चलो। कौन से टेंस में मूव कर रहे हैं आप, वो कैसे भी उलझाए आपको, आपको उलझना नहीं है। प्रिवेंट, रोकना, कोई भी घटना हमेशा प्रिवेंट की जाती है, आपको पता है, अवर्ट की जाती है, सीज की जाती है, स्टॉप की जाती है। हो गया साहब वॉकअप तो खेल लिया, आ जाओ कीवर्ड के पास। कीवर्ड है जो हमारी प्रेमिका है यहाँ पर, जो हमको देखना है, जो हमको डायरेक्ट आंसर के पास पहुंचाएगी, वो है ऑलरेडी। ऑलरेडी किसको कहते हैं, ऑलरेडी यदि कहीं आ गया तो कौन सा टेंस आएगा, B3 प्रेजेंट परफेक्ट, कहानी खत्म। उठाओ प्रेजेंट परफेक्ट को, हैव, द पुलिस हैव ऑलरेडी प्रिवेंटेड आर्सन एंड सबटेज, पुलिस पहले से ही आगजनी और सबटेज को जो है रोक चुकी है। पुलिस के साथ कौन सी वर्ब आती है,
हमेशा प्लूरल वर्ब। एक एक चीज को टिप से रखना, एक एक चीज बोल रहा हूं मैं, माइनर से माइनर चीजें ये क्या काम आएगी जिंदगी में, ये छोरी निकाल देना, ये इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये छोरी निकाल देना पुलिस के साथ, हमेशा प्लूरल वर्ब। आर्मी परेशान करेगी, आर्मी दो रास्तों पर जाएगी, कैसे वो बाद में बात करेंगे। आर्मी दो रास्तों पे जाती है, कभी सिंगुलर को पकड़ती है, कभी प्लूरल को, उसमें बहुत अच्छा रूल आएगा जो आपको आज तक पता नहीं है। आई ए ब्लड स्टेन कॉर्प्स इन द टॉर्चस वैली लास्ट नाइट। पहले वॉकअप से खेल खेलने के बाद ग्रामर के बाद जाना बड़ा प्यारा लगता है। आई क्या कर रहा है भाई साहब, देखो पहले देखना ही थी, ब्लड स्टेन कॉर्प्स, मर्डर हो गया, मर्डर करके लाश को फेंक दिया, ब्लड स्टेन कॉप्स, खून से सरी लाश, सर फोड़ दिया इसका, खून से बिल्कुल लथपथ है, खूनी खून है नीचे तक, गला नहीं घोटा है, कोई सर पे मारी है भयंकर, ब्लड स्टेन कॉप्स, क्राइम सीन है, क्राइम स्टोरी है, खून से सरी लाश, कहां फेंकी इस लाश को, देखो साहब इसको फेंका टॉर्चस वैली, घुमावदार घाटी में, बिल्कुल घाटियां घुमावदार ही होती है, टॉर्चुअस वैली, वैली का मतलब घाटी, घुमावदार, बिल्कुल टन खरी है, घुमावदार घाटी, घाटी हमेशा टॉर्चस होती है। मतलब यदि शार्प नॉलेज रखोगी, कोई आपसे सुन लेना आपकी नॉलेज, तो एक बार तो डीमोटिवेट अपने आप ही हो जाए कि यार क्या भयंकर नॉलेज है, आपकी कॉपी देखे तो लगेगी यार तैयारी तो बहुत जबरदस्त हो रही है, हमें किसी डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन खुद का नॉलेज जब दूसरे के नॉलेज से टकराता है और वो परास्त होता हुआ नजर आता है तो डिमोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है। टॉर्चस वैली, घुमावदार घाटी, ब्लड स्टेन कॉर्प्स, खून से सरी लाश, ऐसे टॉर्चस है, सरपेंटाइन है, घुमाई जा रही है, अभी इसके तीन वर्ड बताऊंगा, बढ़ खाती हुई रोड, हमेशा बढ़ खाती हुई टॉर्चस है आपकी, ब्लड स्टेन है, घुमावदार है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, चलने दो। आ जाओ मेन सेक्शन पर, मेन आंसर पर, क्वेश्चन जा रहा है अपना आंसर ढूंढने, लेकिन उससे पहले वो मिलेगा, किससे मिलेगा, लास्ट नाइट से, क्लियर, वो मिले, बिना मिले तो कैसे जाएगा, बिना मिले तो कैसे जाएगा, लास्ट नाइट से मिलेगा वो, आप क्लास में तभी आओगे जब सर की परमिशन होगी, तो सर से मिलकर आना पड़ेगा, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट क्या कहता है, कौन सा टेंस, पास्ट डेफिनेट, बी टू रो नंबर 5, पास्ट डेफिनेट, कहानी खत्म, मेरे साथ पास्ट डेफिनेट आएगा क्योंकि लास्ट नाइट आ गया, तो सी की सेकेंड फॉर्म होती है सा, थर्ड फॉर्म होती है सी। अलग तेरी जबरदस्त ग्राउंड बनाओ कि ग्राउंड की जरूरत नहीं है, फिर भी इतना जबरदस्त गेम खेल रहे हैं, और टॉर्चर्स, ब्लड स्टेन कॉर्प्स, खून से सरी लाश, टुकड़े टुकड़े, म्यूटिलेटेड, सड़ी गली, डिकम्पोज, तीन लाशों के साथ मैंने तीन ऑपरेशन दे दिए, म्यूटिलेटेड कर दिया, टुकड़े टुकड़े, डिकम्पोज, सड़ी गली, ब्लड स्टेन, खून से सड़ी हुई, चाहे मर्डर भी हुआ हो 2 घंटे पहले, लेकिन यहां मारा तो ब्लड ही ब्लड नीचे तक, दैट इज अ ब्लड स्टेन। क्लियर, नेक्स्ट आइए, डिड यू ए डिडक्टिव मूवी एच योर लेजर विथ योर चार्म्स, डिडक्टिव मूवी काम आएगा शिक्षा में, जितनी भी हमको प्रसारण करना है या देना है, शिक्षा प्रद को बोलते हैं डिडक्टिक, डिडक्टिक मूवीज जो समाज को राह दिखा के जाए, शिक्षा प्रद, फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स, दंगल, एंड तारे जमीन पर, ऑल द फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान आर डिटेक्टिव मूवीज, दुनिया को आईना दिखाती है, दुनिया को बताती है कि तुम गलत हो, अपने बच्चों पर प्रेशर मत डालो कुछ भी करने का, इजीली करने दो, उनकी इच्छा से करने दो, उनमें इंस्पिरेशन दो, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर मत करो, वो कर लेंगे, उनमें इतना कैलिबर है, पर फोर्स मत करो, 98 आ गए 2% क्यों नहीं आए, फोर्स मत करो, उसे सिखाओ बेटा 2% और आता तो और अच्छा लगता, खुशी से, प्रेशर मत करो। नेक्स्ट, एट योर लेजर, खाली क्षण में, ये तो आप जनरली जिंदगी में भी काम ले सकते हैं, एट लेजर, इसकी स्पेलिंग चेक के लिए आ सकता है भाई, LEISURE, खाली समय, आप किसी को कह भी सकते हो मैं फोन करूंगा, एट माई लेजर, खाली समय में, आई विल कॉल यू एट माई लेजर, मैं भी खाली समय में फोन करूंगा आपको, एट लेजर, एट माई लेजर, एट योर लेजर, खाली समय में, आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना जबरदस्त बनाओ कि जब आप ऑफिस रैंक में जाओ तो 4 लोग कहेंगे ऑफिसर है तो ये है, मतलब आपका सीट में बैठना आई थिंक नॉट प्रॉपर, वो सीट आपको क्या दुनिया को देगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दुनिया आपको अप्रिशिएट करे कि वास्तव में यार जो है बंदा जो बैठा है ना सीट पर गजब ही बैठा है, नॉलेज भी शानदार है, इसकी लैंग्वेज भी शानदार है, इसके थॉट्स भी शानदार हैं, और इसका जो डिसीजन पावर है वो भी शानदार है। नहीं, वो कोर्ट के बाहर निकलते ही अलग अलग तरह की उपमा दी जाती है कि किस गधे को सीट पे बैठा दिया, ऐसा भी बोल देते हैं कई लोग। तो आइए, आपसे कहा जाता है चम चम बचपन का दोस्त, चम कहते हैं बचपन का दोस्त जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसके साथ फ्रेंड्स नहीं आता है, चम कहलाएगा बचपन का दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड चम कहलाएगा। और अब आता है कहानी डेढ़ से शुरू होती है, क्वेश्चन मार्क ले जाता है। एक बार फिर चलते हैं रूम नंबर 5 की तरफ, लेकिन आज क्वेश्चन मार्क है डिड जहां आ गया, वर्ब की फर्स्ट वो भी आएगी। डिड चाहे आपका निगेटिव में है, डिड चाहे आपका प्रश्नवाचक में है, डिड आ गया तो पास्ट में होते हुए ये V2 को हटाता है, ये V1 को कॉल करता है, तो डिड के साथ हमने मूव किया V1 की तरफ और हमारा आंसर लेकर आए वॉच। डिड यू वॉच ए डिटेक्टिव मूवी एच योर लेजर विथ योर चम्स, क्या तुमने कोई शिक्षा प्रदान फिल्म देखी थी अपने बचपन के दोस्तों के साथ तुम्हारे खाली समय में। जहां डिड आ गया वहां V1 आएगा, डिड प्लस V1 चाहे क्वेश्चन वाचक में हो चाहे डिड आपका निगेटिव हो, एक डिड और आएगा उसका इस डिड से कोई लेना देना नहीं है, वो डिड अलग कहानी कहता है, वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है, टेंस की कहानी है, वो रूल्स की कहानी है, एक डिड से और आपका आमना सामना करवाऊंगा। और थिंग्स, क्वेश्चन नंबर 13, और थिंग्स फ्रॉम एन एडिफिस टेम्पल टू कीप योर हार्ट बर्निंग, और थिंग्स छोटी मोटी चीजें, ज्यादा बड़ी चीज नहीं, कोई बड़ी चोरी नहीं की है, और थिंग्स आपके बाइक की कोई बैटरी चुरा कर ले गया, शीशा चुरा के ले गया, बाइक चुराता तो चोरी होती है, लेकिन चोरी तो वो भी है, लेकिन ठीक है, हमारे पानी का मीटर चुरा के ले गया, छोटी मोटी चीजें और थिंग्स कहलाएगी। सिलेंडर ही उठा ले जाते हैं, और थिंग्स है, 1000-1200-2000 का सिलेंडर ही लोग नहीं छोड़ते क्योंकि बेरोजगारी का जमाना है। इसका डिड यू सी जैसे कल सोनू शर्मा बोल रहा था, वो गलत बोल गया कि ही डिड नॉट स्लेप फॉर ए मिनट, स्लेप कैसे आएगा, डिड नॉट स्लिप आएगा, तो बोलते वक्त किसी से भी गलती हो सकती है। फिर आता है आपका एडिफिस टेम्पल, भव्य मंदिर, वहां से मूर्तियां, वो क्या बोलते हैं, घंटी चुरा लाए, वहां का पात्र चुरा लाए, एडिफिस टेम्पल। फिर चलते हैं भव्य मंदिर, भव्य मंदिर कहता है एडिफिस टेम्पल, प्रपोजिशन फ्रॉम क्यों आया, क्योंकि स्रोत दिखाता है, इसको प्रपोजिशन में डिस्कस करेंगे। कहीं भी आप स्रोत दिखा रहे हो, सोर्स दिखा रहे हो, तो प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा, धरती से पानी, सूरज से किरणें, गुरुजी से ज्ञान, किताबों से ज्ञान, फ्रॉम का यूज होगा। मैं कहता हूं ना, अभी कंटेंट पावर बढ़ा लो, आपको हिंदी इंग्लिश इंटरव्यू तीनों में बेनिफिट होगा, अभी प्रेजेंटेशन पावर बढ़ा लो, तीनों जगह आपको बेनिफिट होगा। कंटेंट पावर बढ़ गई, प्रेजेंटेशन पावर बढ़ गई, तो आग लगा कर आओगे आप, फर्स्ट रैंक लेकर आओगे, टेक द केक करोगे। फिर कहता है क्या करें साहब, आंसर देना है, तो हमने आंसर दिया यू सब जगह है, यू के साथ डू आता है, यू के साथ डू आता है क्वेश्चन वाचक में, डू यू, डू आ गया तो भी V1 लेगा, सीधी सी बात है, डू डज डिड तीनों V1 लेते हैं, डू भी V1, डज भी V1 और डिड भी V1, यहाँ पर फिल्च आएगा, फिल्च का मतलब भी चुराना, फिल्च का मतलब भी चुराना, कोई आपके जूते चप्पल ले गया फिल्च, कोई यहां से पैंट चुरा के ले गया फिल्च, और मैंने बोतल उठा के घर पे ले गए फिल्च, फिल्च यानी चुराना। और थिंग्स छोटी मोटी चीजें, एडिफिस टेम्पल, भव्य मंदिर, फ्रॉम प्रपोजिशन है, स्रोत को शो करेगा, तो आंसर नंबर जाएगा ए के पास, डू यू फिल्च और थिंग्स फ्रॉम एन एडिफिस टेम्पल टू कीप योर हार्ट बर्निंग, कीप योर हार्ट बर्निंग मतलब घर का खर्च चलाना, ये भी अच्छी फ्रेज है, कीप योर या माई या जो भी है हार्ट, हार्ट घर का चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, जिसकी रोटियां बहुत स्वादिष्ट होती है, खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, जो दादी नानी पकाया करती थी आज भी होता है, कीप योर हार्ट बर्निंग, गुजारा करना, गुजारा करने को बोलेंगे कीप हार्ट बर्निंग, घर खर्च चलाना कीप हार्ट बर्निंग, छोटी मोटी चीजें चुराना कीप हार्ट बर्निंग, सॉरी चुराना क्यों, क्योंकि आपका मकसद क्या है,
आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव है ज्यादा चुराने से क्या मिलेगा, कीप हार्ट बर्निंग। जैसे अपने ये रोड पर रहते हैं लोग, ये क्या करते हैं, कोई चीज चुरा लेते हैं किसी से, बड़ी चोरी तो नहीं हो पाती इससे, कोई डाका तो नहीं हो पाता, लेकिन किसी घर में घुसे, कुछ भी नजर आया उठा के ले गए। कीप हार्ट बर्निंग के लिए कि साहब भेज देंगे थोड़ा, एक किलो दो किलो आटा जाएगा और शायद आज का काम तो हो जाएगा, उससे बोलते हैं कीप हार्ट बर्निंग, गुजारा करना। हार्थ हमारे मिट्टी का चूल्हा है जो हमारे घरों में होता था, हमारे गांव का आज भी होता है, कीप हार्ट बर्निंग। खाली जगह यू योर वर्क टुडे फॉर रॉबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी, दोनों वर्ड साथ चलेंगे, जब भी चलेंगे यूज होंगे तो साथ होंगे, क्योंकि रॉबस्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, रॉबस्ट का मतलब मजबूत और ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। इन वर्ड्स को हमेशा साथ साथ रखना है। ऐसे पेयर वर्ड मतलब लिखने लिखोगे ना तो आपको ऐसे लिखने में कोई जोर नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। अब तो एपीओ भी प्रेस ही कर दी, आपके ट्रांसलेशन कर दिया, अनसीन पैसेज कर दिया, लिखवाएगा वो वहां पर, ऑब्जेक्टिव का ये भी खत्म कर दिया, और उस पेपर में या इस पेपर में आरजेएस वाले में 50 नंबर लाना बहुत इजी टास्क है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा आप खुश हो जाओ, संभव है, बस उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी। बातों से मिरेकल से कुछ नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग जैसे आप तप रहे हो तो आप पा रहे हो, जो नहीं तप रहा है अपने घर पे रेस्ट कर रहा है, उसके मार्क्स भी रेस्ट करेंगे, उसका करियर भी रेस्ट ही कर रहा है। ये पसीना वाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, इस पसीने से इतिहास लिखेंगे, इतनी मेहनत हम करेंगे। रॉबस्ट का मतलब मजबूत है, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी है। हिंदी में भी साथ चलेंगे तो इंग्लिश में भी साथ चलेंगे। आप हिंदी का ऐसे लिखोगे तो भी वर्ष की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश का ऐसे लिखोगे तो भी वर्ष की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या चाहता है ऐसे आपसे क्वेश्चन, आपसे टास्क योर वर्क टूडे, आपको कहा था यदि टूडे आ जाए, आज का कोई भी काम या तो टूडे आ जाए यानी आज, या दिस मॉर्निंग आ जाए, आज सुबह, मॉर्निंग तो कभी कभी यूज करता है, लिख लो रूल इज रूल, नॉलेज इज नॉलेज, छोटी बड़ी नहीं होती है, नॉलेज अच्छी बुरी नहीं होती है, नॉलेज इजी और टफ नहीं होती है, नॉलेज छोटी बड़ी नहीं होती है, नॉलेज नॉलेज होती है। कब कहां किस मोड पर काम आ जाए आप और मैं नहीं कह सकते। टुडे और दिस मॉर्निंग के साथ यदि टुडे आ गया, आज का समाप्त काम आ गया, वो आपने किया है नहीं किया है क्वेश्चन वाचक है, वो कहां जाएगा, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। टुडे रहता ही प्रेजेंट परफेक्ट में, टुडे जो रहेगा तीन नंबर में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, टुडे जो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, ये बात बिल्कुल तय है। तो कहानी शुरू होती है यू, अभी भी कहानी भी ट्विस्ट है, रुके रहना, जल्दबाजी नहीं करना है क्वेश्चन से, यहाँ पर हमें प्रैक्टिस में बहुत आपको नॉलेज बढ़ाना है, विद्वत्ता शो नहीं करनी है कि सब मेरे सारे सही हो गए गलत हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, यू आपका दे रखा है, यू आपसे क्या चाहता है, यू से पहले हैव आएगा, आ गया हैव, हैव यू क्वेश्चन बना रहे हो आप, बना दिया हैव यू, अब क्या लिखे उसके बाद, कास्टेड, एब्सोल्युटली राइट, कास्टेड की कास्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, और आप ये क्वेश्चन किसी से भी करवा लेना, कास्टेड करेगा राजी और होगा, मेरा क्वेश्चन सही हो गया, ऐसे ही नहीं होता है, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करो आप, ऑटोमेटिक आप देखो, अब आपको पता है ना कास्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, तो कास्टेड नहीं किया ना, और नहीं पता होता तो कास्टेड करते या नहीं करते, आप भी करते मैं भी करता, नहीं पता होता है तो ये थोड़ी है, गुरुजी को सब कुछ आता है, गुरुजी भी अज्ञानी है, मैं भी अज्ञानी हूँ, आप भी अज्ञानी हो, आप अपने लेवल पे अज्ञानी हो, मैं अपने लेवल पे अज्ञानी हूँ, लेकिन लर्नर प्रोसेस में मैं भी हूँ, लर्नर प्रोसेस में, क्योंकि जिसने आपने ये भ्रम पाड़ लिया विद्वत्ता का कि मैं विद्वान हूँ, उस दिन खेल खत्म, खत्म है खेल, आपके पास ही दो नॉलेज है तो मुझे दो, मैं लेने को तैयार हूँ, क्यों, हर इंसान अपने लेवल पे अज्ञानी होता है और अज्ञानी ही रहना चाहिए, उसमें बड़ा फायदा है, नॉलेज तो मिलती है ना, तो कास्ट की तीनों फॉर्म कास्ट, टेलीकास्ट की तीनों फॉर्म टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, और लास्ट, कन्फेस योर ग्रूसम क्राइम, लेस द पुलिस रेस्ट ऑफ द ट्रूथ, जब आप मजिस्ट्रेट बन जाओगे तो रिमांड दोगे, रिमांड के बाद पुलिस ले जाएगी थाने में, ठोकेगी पकड़ के, और ठोक पीट कर जो सच गुलवाएगी, रिमांड के बाद, आफ्टर रिमांड दे दिया आपने कि ले जाओ चार दिन के लिए ले आओ, तो पुलिस क्या करेगी, ये करेगी रेस्ट आउट द ट्रूथ, सीआरपीसी भी चल रही है बराबर की, रिमांड में जा रहा है बंदा, पीसी में जा रहा है बंदा, या रेस्ट आउट द ट्रूथ,
और दूसरा कि पुलिस के पीसी दो, वो उसका बोलेगा डिफेंस नहीं, जेसी में भेज दो, क्या होता वो तो गेम बताएगा। प्राइज आउट द ट्रूथ, PRISE, SE नॉट जेड, प्राइज आउट द ट्रूथ, पुलिस वालों का काम है, ये अपना काम नहीं है, सच उगलवाना। थर्ड डिग्री यूज करके पुलिस स्टेशन में आफ्टर रिमांड जो सच उगलवाया जाता है वो ये दो फ्रेज कवर करेगी, पुलिस वालों की करेगी। टेस्ट आउट द ट्रुथ, प्राइस आउट द ट्रुथ। इसमें भी एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। अपन खाटू श्याम जी से मान लो जयपुर आ रहे हैं और रात का 1 बज रहा है, पुलिस वाले रोकते हैं ना, रोकते हैं जगह जगह, भाई साहब कहाँ से कैसे, फिर अपन तो ठीक ठाक लगते हैं उनको, तो वो देते हैं, थोड़ा सा अपराधी टाइप का आदमी होता है तो उससे कड़ी पूछताछ करते हैं, भाई साहब कहाँ से, थाना तो बाद में जाएगा, तो उस कड़ी पूछताछ करने के लिए पर्टिकुलर वर्ड है ग्रिल, इसमें सब कुछ आ जाएगा, कड़ी पूछताछ करना आपके लोका वर्ड है, हमारे लोका वर्ड है, हमसे कड़ी पूछताछ करना है, हाथ पैर नहीं लगाए अभी, तो 24 आवर से पहले क्या करेंगे पुलिस वाले, ग्रिल ही कर सकते हैं ना, हाथ पैर नहीं लगा सकते ना, और 24 आवर जब उनको रिमांड मिल जाएगा इधर आ जाएंगे, अरेस्ट करते तो ग्रिल, हाथ लगाने का अधिकार नहीं है ना, थप्पड़ मारने का भी अधिकार नहीं है, तो वो ग्रिल करेंगे, और जैसे ही उनको रिमांड मिल गया 24 आवर में पेश कर दिया कोर्ट में, वो कहाँ गए, रेस्ट आउट द प्राइस आउट द, पुलिस वालों के पास चल रहा है सारी कहानी, और आप और हम जैसे लोगों से क्या पूछते हैं, वो कहाँ से आए, कैसे लगते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सभ्य लोग हैं, पूछ रहा उनकी ड्यूटी है, तो अपन से क्विज करते हैं, कुरेद कुरेद के पूछना, थोड़ा सा गहरे पूछते हैं, और फिर वो लगता है नहीं है कुरेद, यानी बहुत डीपली पूछना, कुरेद कुरेद के पूछना, जैसे पेरेंट्स पूछते हैं लड़के लड़के भाई कहाँ था, इंस्टीट्यूट ही था ना, नहीं, फिर उन्हें लगता है, तो वो क्विज करते हैं अपन, क्वेश्चन कहीं नहीं आया, देखो माँ बाप या पुलिस वाले जब हमसे पूछते हैं तो हमको क्विज करते हैं, उन्हें लगता है ये अपराधी है, कुछ वो थाने ले गए तो 24 आवर से पहले ग्रिल करेंगे, और 24 आवर के बाद रिमांड मिल गया तो इधर आ जाएंगे, ये पुलिस वालों की कहानी खत्म इस क्वेश्चन से। अब आती है एक छोटी सी कहानी, शुड गाई को यूज किसी भी वाक्य में, लेस्ट आ जाए, लेस्ट आ जाए तो उसमें क्या आएगा, शुड आएगा, एक अच्छा क्वेश्चन जो कंजक्शन में एक बार एज ए पॉइंट पे लिखाऊंगा, यदि किसी भी वाक्य में लेस्ट आ जाए तो उसमें शुड आएगा, किसी भी वाक्य में शुड मॉडल आ जाए तो लेस्ट आएगा, जिस मॉडल शुड का आपने राय देने के लिए काम में किया था उस मॉडल का यूज देखिए, यदि किसी भी वाक्य में लेस्ट आ जाए तो उसमें शुड आएगा, शुड आएगा, शुड आएगा, और किसी भी वाक्य में शुड देकर उल्टा कंजक्शन पूछे, उल्टा कोऑर्डिनेट पूछे, उल्टा उसका सबोर्डिनेट पूछे तो लेस्ट आएगा, लेस्ट का हिंदी मतलब क्या होगा, नहीं तो लेस्ट का हिंदी मतलब क्या, इसके साथ नॉट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, इसके साथ नॉट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नकारात्मक भाव शामिल है, तो लेस्ट के साथ शुड आएगा, शुड का मॉडल राय देने के लिए बाध्यता नहीं है तो ना सही, शुड का एक और यूज, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, क्लियर आज की कहानी, बिल्कुल क्लियर, इसी थ्योरी से आप भरते रहे तो डेड सर्टेन है आपको इंग्लिश में आपके गुरु भाई बहन के अलावा, मतलब आपके आपस में अलावा कोई चेले नहीं कर पाएगा, ना कोई पर्सन ना कोई पेपर, लेकिन मेहनत ये करनी पड़ेगी, पसीना ये बहाना पड़ेगा, ये अशंभावी शर्त है, इसको मैं और आप क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकते, और हमें बदलना भी नहीं है क्योंकि हमारा बेनिफिट हो रहा है, और जिस काम से हमारा बेनिफिट होता है हम उससे आर्गुमेंट क्यों करें, फालतू ही, हमें तो बेनिफिट हो रहा है ना, बस खत्म कहानी, लोगों से डे बाय डे ऊपर आ रहे हो आप, तो कॉम्पिटिशन तो यही खत्म कर दिया आपने, बाहर जाने की जरूरत ही क्या है, कॉम्पिटिशन तो आपने यहीं पर खत्म कर दिया, कॉम्पिटिशन ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो हमसे क्या उम्मीद करके आ रहा है, बहुत अच्छी उम्मीद करके, रोल इसका छोटा है लेकिन रोल है, जब भी आप किसी को नैतिकता वाले वाक्यों में लेकर जाओगे, सिर्फ नैतिकता, नैतिक शिक्षा वाले वाक्यों में जिस मॉडल का यूज होगा, नैतिक शिक्षा वाला वाक्य, ये वैसे शुड का भाई है, भाई तो ये शुड का ही है, अर्थ में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कहता है भाई अपना रोल थोड़ा अलग, तेरा रोल थोड़ा अलग, क्यों, क्योंकि मेरा वगैरह मैंने रोल ही अलग मांट रखा है, मांट रखा है तो मांट रखा है, इसमें तू और मैं क्या करेंगे, नहीं है तो ना सही, तो देखिए नैतिक शिक्षा वाले वाक्यों में जिस मॉडल को आप कॉल करेंगे, जिसकी, और ये दूसरा मॉडल है,
ये दूसरा मॉडल है जो अपने साथ टू लेना पसंद करता है। ये नंबर मॉडल नंबर दो, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट ऑट टू, इसे ऑट बोलेंगे, इसके साथ भी टू आएगा। केवल दो ही मॉडल हैं जो अपने साथ टू लेना पसंद कर रहे हैं, पहला था यूज टू और दूसरा है ऑट टू। ये कहां आएगा? जिन वाक्यों में नैतिकता आती है, मॉरल वैल्यूज को हाईलाइट किया जाता है, नैतिकता शिक्षा वाले वाक्यों में ऑट टू आएगा। इसका हिंदी मतलब भी चाहिए चाहिए चाहिए। देखा जाए तो टेक्निकल तौर पर ये शुड का भाई है, लेकिन वो कहता है राय, ये कहता है नैतिकता। वो कहता है राय, ये कहता है नैतिकता। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, चाहिए दोनों में आ रहा है, चाहिए दोनों में आ रहा है। लेकिन यदि आपके दिमाग में, आपके क्वेश्चन में, आपके कंसेप्ट में यदि राय है बिना बाध्यता वाली, यहां क्लियर कर लेना, बाध्यता नहीं है, बाध्यता में इसका बड़ा भाई बुलाएंगे, राय माइनस बाध्यता है तो शुड प्लस वी वन आएगा, राय प्लस माइनस बाध्यता है तो शुड प्लस वी वन आएगा, राय प्लस बाध्यता होगी तो कहां जाएंगे, बाद की बात है। और यदि आपकी नैतिकता वाले वाक्य हैं, नैतिकता वाला वाक्य है, कोई भी मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, कोई भी हम अपने बच्चों को जो शालीनता, शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति सिखाते हैं, जो उनको सिखाते हैं वो नैतिकता वाले वाक्यों में जाएगी, यानी ऑट टू के साथ बी वन आएगा, ऑट टू के साथ बी वन आएगा। ये हमारा आज का कंसेप्ट है, आज का हमारा मेहमान है। ऑट टू का एक छोटा सा यूज, नैतिकता वाला वाक्य भाई है ये शुड का, लेकिन वो आता है नैतिकता वाले वाक्यों में, ये आता है राय वाले वाक्यों में। इसमें भी एक कहानी है, इसमें माइनस बाध्यता आएगी, बाध्यता नहीं आएगी। इस ग्राफ को प्रिंट कर लो, इंग्लिश को पढ़ो मैथमेटिक्स की तरह, दिमाग में प्रिंट होगी जाकर। यदि आप इसको एज ए सब्जेक्ट, एज ए लिटरेचर पढ़ेगी, आएगी और चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। आज का तो वो जमाना है, क्वालिटी पैदा करनी है। मर्सिडीज भी चार पहिए की, मारुति भी चार पहिए की, लेकिन मर्सिडीज मर्सिडीज होती है, ओडी ओडी होती है, जगवार जगवार होती है, ट्रक उसको भी नहीं बोलते, आठ पहिए तो उसमें भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। इसीलिए फ्रेंड्स, इस क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है। सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, छोटे से सेंटेंसेस, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, छोटे से सेंटेंस, बड़े ले रहा हूं अभी। आपको अपने माँ बाप की आज्ञा पालन करना चाहिए या शुड नहीं आ सकता। यदि ऑप्शन में शुड भी है और ऑट टू भी है तो आपकी पहली नजर ऑट टू पर जानी चाहिए, फर्स्ट नजर, क्योंकि बाध्य है आप कि इसमें नैतिकता वाला वाक्य है, इसमें आपका मॉरल वैल्यू को सिखा के जा रहा है, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। ऑट टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म, ऑट टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म, नैतिकता है, मॉरल वैल्यूज है, वी ऑट टू शुड नहीं आएगा। हाँ, उसने ऑट टू दिया ही नहीं हो तो शुड के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई तो इसका ये है ही नहीं, वहां पर ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम शुड में चले जाएं, वी ऑट टू। एस्टीम विमेन फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट, तहे दिल से, फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट, तहे दिल से हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए, नैतिकता है। एस्टीम का मतलब है आपका सम्मान करना, एस्टीम का मतलब है सम्मान करना। ओटू का मतलब कि ओटू ने शुड क्यों नहीं आया, सर शुड आ सकता था यदि ओटू यहाँ पर एब्सेंट रहता, तो यहाँ पर ओटू होते हुए शुड कभी नहीं आ सकता। शुड वाले वाक्यों में ओटू नहीं जाएगा, ओटू वाले वाक्यों में शुड नहीं जाएगा। हाँ, वहां पर ऑप्शन एक ही है, तो ये इसका भाई होने के कारण कभी कभी ये इसका रोल निभा देता है और कभी कभी ये इसका रोल निभा देता है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन यदि दोनों मौजूद हैं और वाक्य नैतिकता का है तो ऑट टू प्लस वी वन आएगा, और वाक्य राय का है तो शुड प्लस वी वन आएगा माइनस बाध्यता। मैं पूरी ग्रामर को इतना कॉम्पैक्ट कर दूंगा कि एक घंटे में आपका रोटेशन चला जाएगा, लेकिन ये डीपी तो पढ़ना पड़ेगा। आप सोचे कॉम्पैक्ट से काम आएगा, समझ ही नहीं आएगा।
वो कॉम्पैक्ट तभी समझ में आएगा जब हम इस लेंथी प्रोसेस से गुजर चुके होंगे, इस पसीने वाले प्रोसेस से गुजर हो चुके होंगे, फिर वो एक घंटे में समझ में आ जाएगा। एक घंटा भी नहीं लगाऊंगा मैं। लेस देन एन आवर, लेस देन एन आवर ही मेरी चैलेंज है कि एक घंटे के नीचे नीचे में पूरी ग्रामर को रोटेशन में डाल दूंगा। आइए नैतिकता वाला वाक्य लेते हैं। हमें बच्चों को या ऐसे लोगों हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छा लगेगा, हमारी आगामी पीढ़ी को, आगामी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या बढ़ती है तो बढ़ने दो ना, भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, कौन सा फर्क आ गया। भूलने के डर से याद ही मत करो, भूलने के डर से उससे इंट्रोड्यूस ही मत करो, ये कौन सा तरीका हुआ। दिमाग को घिसके तो नहीं पड़ जाएगा, दिमाग की तो हार्ड डिस्क बढ़ती है जितना आप उसको बढ़ाओगे। हमें हमारी आगामी पीढ़ी को शालीनता और शिष्टाचार सिखाने चाहिए। बहुत प्यारा सेंटेंस, बहुत महंगा सेंटेंस, सिखाने चाहिए। चाहिए आ गया साहब, सर शुड भर दे गया, नहीं जब तक उठू है तब तक शुड नहीं। सेंटेंस को दिमाग में बनाओ, मुझे करना है, यूटर नहीं लेना है बात। आप दिमाग में प्रिंट कर लो, टफ है, आसान है, इजी है, कोई मतलब नहीं है, ये हारे हुए लोगों के शब्द होते हैं। आपको इतिहास लिखना है तो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मैंने पहले कह दिया, जो इस प्रोसेस से गुजर गया उसका भविष्य सेफ है। सेफ बोल रहा हूं मैं, स्टैम्प पेपर में लिखवा लो, उसका फ्यूचर सेफ जोन में है, और वो भी टॉप लेवल पर। ऐसे नहीं कोई छोटी मोटी जगह होगी, आप टॉप लेवल बोल रहा हूँ, वो टॉप लेवल क्या होगा वो तो ईश्वर को पता है, उसकी मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। हमें हमारी आगामी पीढ़ी को शालीनता और शिष्टाचार सिखाने चाहिए। हमारी नैतिकता है, हमारी मॉरल वैल्यू है। आज इस मॉरल वैल्यू को चेक करते हैं इंग्लिश में। शुड नहीं आएगा क्योंकि नैतिकता वाला वाक्य है ना। बुलाओ साहब इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी को, जो इसकी ओरिजिनल थीम है उसको बुलाओ। काम चल जाएगा ये थोड़ी निकाल दो, सर काम चल जाएगा ना, नो। एक्यूरेसी क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए मैथ्स की तरह, यहाँ पर ये आएगा तो यही आएगा, अड़ जाओ। काम चल जाएगा सर, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तब तो, भी तो फर्क पड़ता है कि 99% लोग फेल, 1% भी क्या पॉइंटों में सफल। वी शुड को तो नहीं बुलाएंगे क्योंकि हमें पता है ऑटो को जानते हैं, तो फिर शुड को क्यों बुलाएं? जब हम ऑटो को जानते हैं तो शुड को बुलाने का लॉजिक क्या है? हम तो एक्यूरेसी पे जाएंगे। लोग कहते चाहिए शुड भी, चल लगा ले, क्यों लगा ले? मस्ट लगा ले, क्यों लगा ले? मस्ट को अलग वे भी यूज करेंगे तो यहाँ अलग वे भी यूज करेंगे। वी ऑट टू सिखाओ साहब, इन्फ्यूज, इन्फ्यूज यानी सिखाना। दादाजी आ गए हैं प्रणाम करो, अंकल आए हैं प्रणाम करो। हम अपने बच्चों को शिष्टाचार सिखाते हैं, तभी तो यहाँ हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया, हमारे बैकग्राउंड ने हमको सिखाया, आज उन्होंने सिखाया, वही संस्कार है, हम उसी से बंधे हुए हैं। अब संस्कार नहीं सिखाए जा सकते, वो सिखा दिए उस समय। वी ऑट टू इन्फ्यूज, क्या क्या सिखाना है सिखाओ। शालीनता, डिसेंसी एंड शिष्टाचार सिखाओ। प्रणाम करो, नमस्ते करो, डिसेंसी शालीनता, ऐसे जोर जोर से मत बोलो, बहुत सॉफ्ट बोलो, बहुत प्यार से बोलो, डिसेंट लैंग्वेज में बोलो। ऐसे थोड़ी मजदूर में और एक बारीक में क्या फर्क होता है? डिसेंसी का ही तो फर्क होता है। एक आईपीएस में और कॉन्स्टेबल में क्या फर्क होता है? डिसेंसी का आईपीएस अलग वे में बोलेगा क्योंकि वो तपकर आया है, कॉन्स्टेबल जो है अलग वे में बोलेगा। डिसेंसी, शालीनता एंड शिष्टाचार भी सिखा दो, सिखा दो। एटिक्वेट्स, ये एटिक्वेट्स होता है, एटिक्वेट्स कहते हैं ना, तो तथा का बच्चा में तो एडिकेट ही कौन है, सिखाई तो खटियाजा होला। वी ऑट टू इंफ्यूज डिसेंसी एंड एटिक्वेट्स, ठीक है। किसको? आगामी पीढ़ी को। प्रपोजिशन लगाइए टू, टू व्यक्ति को शो करता है, टू टू आगामी पीढ़ी को। सर नेक्स्ट जनरेशन लिख दे क्या? नहीं आए तो लिख देना, नहीं आए तो लिख देना, नहीं तो इसको कहते हैं पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी या इसको कहते हैं प्रोजेनी। आगामी पीढ़ी के दो नए वर्ड दे रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट जनरेशन तो आता है आपको, गलत भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस में दो वर्ड लिखने पड़े तो फिर पोस्टेरिटी को बुला लो, प्रोजेनी को बुला लो, पोस्टेरिटी को बुला लो। वी ऑट टू इन्फ्यूज डिसेंसी एंड एटिक्वेट्स टू पोस्टेरिटी और प्रोजेनी, से सब कुछ आ गया। आगामी पीढ़ी कुछ नहीं लगाना, नेक्स्ट वैक्ट कुछ नहीं लगाना, इसे सब कुछ शामिल है। क्योंकि बाद किसको? हमारी आवर, ठीक है, आवर बिल्कुल सही है, तो आएगा आवर पोस्टेरिटी और प्रोजेनी, हमारी आगामी पीढ़ी को, ठीक है। फिर हमने सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, अच्छे संस्कार सशक्त समाज के नींव का पत्थर होते हैं, सही बात है।
बच्चों को कानून जितना इफेक्टिव नहीं होता उससे ज्यादा इफेक्ट संस्कारों का होता है। कानून से इंसान को डर लग सकता है लेकिन संस्कार इंसान को डर के दायरे में पहुंचने ही नहीं देते। वो पहले पहले उसे यूटर्न दिलवा देते हैं कि दिस इज रॉन्ग। किसी भी लड़की की मर्यादा या कोई भी ऐसा इंडिसेंट एक्ट वही आदमी करेगा जिसके माँ बाप ने उसको संस्कार नहीं दिए। अच्छे संस्कारों के बच्चों को तो औरत की डिग्निटी को मेंटेन करने का, उसे एस्टीम करना सिखाया जाता है कि औरत है, किसी भी वे में है, ये औरत है, वीमेन है, लड़की है, तो आप इसकी जो डिग्निटी है, मर्यादा है, चेस्टिटी है, उसका सम्मान करेंगे। ये हमारे संस्कारों का प्रतिबिंब होता है, कानून थोड़ी। अब यहाँ कौन सा कानून है? आज हम बैठे हैं तो संस्कार ही बैठे हुए ना, कानून थोड़ी है। कानून तो बाद में आएगा, कानून तो तब आएगा जब कोई अपन बुरा एक्ट करेंगे। हम तो कर ही नहीं रहे ना, सोच ही नहीं रहे एक्ट करना, तो वो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि सैक्रामेंट वैसे ना, हमारे पूर्वज, हमारा बैकग्राउंड, हमारे माता पिता, हमारा सीनेरियो ऐसा है कि वो चीज दिमाग में नहीं आती है। अच्छे संस्कार, साउंड सैक्रामेंट्स, अच्छे संस्कार दे दिए बच्चों को, तभी तो कहते हैं संस्कार दो सैक्रामेंट्स। अपराधी क्यों बनता है? संस्कारों के कारण। जैसे वो हरियाणा में एक बच्चा था 15-16 साल का, एप्पल का मोबाइल रखता था, होंडा सिटी रखता था, और उसने 4 मर्डर कर दिए एक साथ। संस्कार के कारण फादर को मार दिया, मदर को मार दिया, अपनी सिस्टर को मार दिया और नानी को मार दिया, 4 लोगों को। ऐसा मर्डर अभी तक इंडिया में हुआ नहीं। तो क्या था? संस्कारों का परिणाम। साउंड सैक्रामेंट्स आर नीम का पत्थर, कॉर्नर स्टोन, क्योंकि नीम हमेशा कॉर्नर में लगती है, कॉर्नर स्टोन ऑफ किसका? सशक्त समाज का। बहुत सशक्त समाज है, रोबस्ट सोसाइटी, हिंदी में प्यारा वर्ड है, रोबस्ट, रोबस्ट सोसाइटी, रोबस्ट सोसाइटी। साउंड सैक्रामेंट्स आर कॉर्नर स्टोन ऑफ रोबस्ट सोसाइटी। कॉर्नर स्टोन एक ऐसा वर्ड है, कहीं लगा देना, नींव का पत्थर। हमारे संस्कार, मजबूत जुडिशरी, कुछ भी सिखाने के लिए बड़ी इंफ्यूज आएगा। लर्न, और ये लर्न तो सीखना होता है, सिखाना। अंकल जी आए, नमस्कार करो, दादाजी के पैर छुओ, ये जब हम बाय बस सिखाते जाते हैं बच्चे को ऑटोमेटिक पता है अब पैर छूना है, फिर नहीं सिखाना पड़ता, हमें भी सिखाया गया। आज संस्कारों के तो परिणाम है कि डिवोर्स या मर्डर, ये आपके किसके रिजल्ट है? इसी के तो रिजल्ट है। आज आप अच्छे घरों से हो तो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, पढ़ाई के प्रति आप डेडिकेटेड हो। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपका बैकग्राउंड, सब कुछ आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो लोग इस समय नेचुरल है, डाइवर्ट भी हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? संस्कारों का रिजल्ट है, इसे बहुत शांति से लेक्चर ले रहे हैं, क्योंकि तो करियर का सवाल है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, सीधी सी बात है। एक सेंटेंस और खेल जाते हैं, प्रत्येक भारतीय को, बहुत प्यारा सेंटेंस, राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान और तिरंगे के प्रति, तिरंगा हमारा ट्रायो कलर, हमारा झंडा, हमारा आन मान शान, तिरंगे के प्रति तहे दिल से नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान है, हमारा राष्ट्रगान है, तहे दिल से नतमस्तक होना चाहिए। कितनी अच्छी हिंदी घूम रही है, इंग्लिश का तो पता नहीं। नतमस्तक होना चाहिए, और टू हमें बहुत कुछ सिखा किया जा रहा है, नतमस्तक, सैल्यूट, ये सिर झुक गया। मैं सम्मान भी यूज कर सकता था, सम्मान में उतना पावर नहीं आ रहा जितना नतमस्तक में आ रहा है, मतलब वर्ड वो जो आग लगा दे। प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय गान और तिरंगे के प्रति तहे दिल से नतमस्तक होना चाहिए। आइए ओट टू को बुलाते हैं, क्योंकि ओट टू कहता है नैतिक शिक्षा। क्लास का होमवर्क क्लास में तैयार कर लो। एवरी इंडियन शुड को नहीं बुलाना, नहीं बुलाना, क्योंकि नैतिक शिक्षा में है। ओट टू, ओट टू, करो नतमस्तक, झुकाओ सिर, झुकाते हैं, पे, पे ओबेसेंस, OBEISANCE, obeisance verb नहीं है, इसलिए pay लगाना पड़ा। obeisance verb, ये वाला जो system है ना, pay obeisance, obeisance verb नहीं है, इसलिए pay। हाँ, इसका एक word word है, वो भी लिख लो, bow, bow भी सिर झुकाना, ये पूरा एक word है, इसमें कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। first form है, इसलिए form की दिक्कत ही नहीं है। pay first form है, bow भी first form है, सिर झुकाना ये वाला।
पूरे नहीं चुके, भगवान के सामने भी बाव और पे ओके। एवरी इंडियन ओट टू पे ओबेसेंस और बाव किसके प्रति? तिरंगा और राष्ट्रीय गान। टू आर्स आपका एक प्रपोजिशन है। बुलाइए राष्ट्रगान को, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम। सम्मान करना, एस्टीम, ऑनर, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, कोटो, कुछ भी, पे ओबेसेंस, ये वाला सिर झुक गया, राष्ट्रीय गान है क्योंकि सर नतमस्तक। एंथम एंड तिरंगा ट्रायो कलर, पे ओबेसेंस, सम्मान करना, पे ओबेसेंस किसी के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान करना। मैं 7 लोगों का सम्मान करवा देता हूँ, जिज्जत, ठीक है ना, वहां से सम्मान करना, नतमस्तक होना, कुछ भी जो विशेष झुकाना, सम्मान करना, नतमस्तक होना, सिर झुकाना। अब आप और मैं रास्ते में मिल गए तो उधर आप इधर मैं, नमस्ते करने का तो टाइम नहीं है, ये हो गया कार्यक्रम, उधर से इधर हो गया, मैं समझ गया, आप भी समझ गए, होता ही है रोड पे। अपन कर रहे हैं विलेज गांव के हीरो का सम्मान, याद रखने का तरीका, विलेज गांव का हीरो, क्या फॉर्मूला है विलेज गांव का हीरो? पहला वाला जो वर्ड है काफी एग्जाम लपेट चुका है, वनी रेट। दूसरे वाला जेन्यूफ्लेक्ट, ये जेन्यूफ्लेक्ट जापानी करते हैं, देखा करो आप, जापानी इतना झुक जाते हैं पूरा 90 डिग्री पर, जापानी को देखा है ना अभी फिल्म लगा, 90 डिग्री पे झुकते हैं वो, ये जेन्यूफ्लेक्ट कहलाता है। अपन तो थोड़ा ही झुकते हैं, वो तो बिल्कुल 90 डिग्री पर, जेन्यूफ्लेक्ट। के वाला वर्ड एग्जाम में आ चुका है, कोटो, ये एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है, वनी रेट, कोटो, ई फोर आपको आता है, ऑनर, इसको ग्रामर में पढ़ेंगे, ई बाकी गाड़ी आती है, एस्टीम, सम्मान करना, और आर और ओ जो अभी किए हैं, आर फोर ओबेसेंस, इसको यदि वर्ब बनानी हो तो पे पहले लगा देना, आर है ना पहले, आर फोर रेवरेंस, रेवरेंस भी सम्मान, इसको भी पे लगा देना, ये दोनों वर्ब नहीं है। विलेज गांव के हीरो का सम्मान कर लिया, देखो 7 वर्ड एक साथ, आड़ू तरीका, विलेज गांव के हीरो का सम्मान। टू वर्ड नहीं होता, टू वर्ड ही होता, की तरफ, टू वर्ड होता है जो प्रॉपर वर्ड है, की तरफ, के प्रति, के प्रति, नहीं 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 वो टू वर्ड्स आएगा, टू वर्ड्स के प्रति, टू वर्ड नहीं होता, टू वर्ड्स का मतलब मैं आपके प्रति आभारी हूँ, आई एम हार्टिएस्ट ग्रेटिट्यूड, टू वर्ड्स को प्रपोजिशन में और बताऊंगा, टू और टू वर्ड्स में क्या फर्क है। तो देखिए आप विलेज गांव के हीरो का सम्मान करते हैं, वनी रेट, जेन्यूफ्लेक, ऑटो, ऑटो देकर वनी रेट पूछा था, इसका अपमान करने का अलग वर्ड आएगा, सम्मान करते हैं भारतीय राष्ट्रीय गान का, तिरंगे का, हमारे राष्ट्रीय पशु का, राष्ट्रीय पक्षी का, हमारे संविधान का, क्या करते हैं हम, ये तो करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि वो वनरेबल है, रेस्पेक्टेबल है, वो हमारा, हम उसका आदर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम आईपीसी का, सीआरपीसी का सम्मान करेंगे, जो कानून है हमारे देश की कानून व्यवस्था का सम्मान करेंगे, हम हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करेंगे। वनरेबल, जेन्युफ्लेक्ट, ऑटो, ओनर, एस्टीम, रेवरेंस और ओबेसेंस, विलेज गांव के हीरो का सम्मान, फालतू तरीके से याद रखना है, विलेज गांव के हीरो का सम्मान, रेस्पेक्ट वर्ब, ऑनर इज वर्ब, एसटीम इज वर्ब, कोई सारी वर्ब है, ये दो वर्ब नहीं है, तो इससे पहले पे लगा के वर्ब बना दो। बाकी वनी रेट, जेन्युफ्लेक्ट, कोटो, ऑनर, एसटीम, रिस्पेक्ट, यहाँ की जगह रिस्पेक्ट भी कर दो ताकि इसमें जुड़ जाए, रेवरेंस की जगह रिस्पेक्ट भी कर दीजिए, रेवरेंस की जगह रिस्पेक्ट, ऑब्लिक रिस्पेक्ट भी कर दीजिए, रिस्पेक्ट इज आल्सो वर्ब, जाएगा टू पे, रेस्पेक्ट इज आल्सो वर्ब, तेरी दो रिक्वायरमेंट ऑफ पे, तेरी दो रिक्वायरमेंट लगा दो तो इसे नाउन बना लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पे रेस्पेक्ट गलत नहीं है, वाटर अपने आप में खुद वर्ब है, आई एम वॉटरिंग द प्लांट्स, आई एम गिविंग वाटर थोड़ी आएगा, आई एम वॉटरिंग द प्लांट्स वैसे वर्ब है, हाँ बना लो फिर उसको नाउन बनाना पड़ेगा, उससे क्या मतलब है। वनी रेट, जेन्युफ्लेक्ट, कोटो, ओनर, एस्टीम, रेवरेंस, रिस्पेक्ट, ओबेसेंस, किसी का सम्मान करना, किसी का आदर करना, नतमस्तक होना, सिर झुकाना,
जो हमारा इन चीजों के प्रति है, हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता के प्रति हम सिर झुकाते हैं, संविधान के प्रति, ट्राइबल के प्रति, नेशनल एंथम के प्रति हम ये सब करेंगे, बनी रहे जेनुफैक्ट कोटो ओनर एस्टीम रेवरेंस ओबेसेंस, याद रखने का तरीका विलेज गांव के हीरो का सम्मान। फ्रेंड्स क्लियर आज का सेशन, मजा आ गया बिल्कुल। चलिए कल 23 पॉइंट्स को याद रखना है, कल 23 पॉइंट्स को पहले रोटेशन में ले लेंगे और फिर आएंगे इस पर।